हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम से बच्चे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी में बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यूपी में बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं। एंड इस बार जो यूपी में एडमिशन के लिए यहाँ पर मैं बोलूँ कि यूनिवर्सिटी रहने वाली, दैट इज़ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसी के थ्रू स्टूडेंट्स यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन होने वाला है। इसी एक फॉर्म को अप्लाई करके आप लोग डिफरेंट जो है बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये अप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है स्टूडेंट, वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट की जो लास्ट डेट रहने वाली, दैट इज़ 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर तक आप लोग जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ टाइम पहले, एंट्रेंस से पहले आपको दे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर क्या रखेगी, 4th week of October या फिर 1st week of November, अभी तक फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी। तो एग्ज़ाम की डेट जैसे आएगी हम आप लोगों को ज़रूर नोटिफाई करेंगे। रिजल्ट 7 से 10 दिन में एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रहने वाली 2000, एससी और एसटी के लिए 1200 फीस रहने वाली है। कैसे आपको अप्लाई करना मैं बता देती हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, abvmuup.education.in। यहाँ पर आपको आने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, आपको बीएससी नर्सिंग के लिए साइड में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्लिक कर देना, कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाएगी। आप लोगों को क्लिक कर देना न्यू एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स, देन यहाँ आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड ये सब कुछ फिल करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर क्रिएट कीजिएगा। एंड यहाँ पर जो है देन आप लोग रजिस्टर हो पाएंगे, देन यहाँ पर फर्दर डिटेल आप लोग फिल कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल जो कि रहने वाले हैं यूपी से जुड़ी। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ने काफ़ी टाइम पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था कि इस बार जो रहेगा यूपी में एडमिशन KGMU के अलावा जो है, अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है यूपी में, चाहे कितने भी गवर्नमेंट हो कितने भी प्राइवेट हो, तो आपको एडमिशन लेना होगा स्टूडेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही। तो यही है अल्टीमेटम आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो कि उत्तर प्रदेश में एडमिशन के लिए है स्टूडेंट्स। बट KGMU का अपना अलग रहेगा, KGMU का अपना अलग एडमिशन से रिलेटेड रहेगा, उसके फॉर्म अलग निकलेंगे। बाकी अगर यूपी में एडमिशन लेना है तो यही अपना एंट्रेंस रहने वाला स्टूडेंट्स। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए सीईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं 2021 के लिए। तो काफी अच्छी न्यूज है स्टूडेंट्स, ऑफिशियल वेबसाइट है www.abmuup.education.in। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। अगर कोई इशू है वेबसाइट रिलेटेड तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी इनको कर सकते हैं। तो चलो जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले एप्लीकेशन एग्जामिनेशन की फीस, तो यहाँ पर एप्लीकेशन की कोई भी फ़ीस पोस्ट के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी। एप्लीकेशन की जो फ़ीस रहने वाली है स्टूडेंट्स, वो अपनी रहने वाली है 2000 रुपये। रिजर्व के लिए 1200 रुपये रहने वाली है स्टूडेंट्स, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए। ये आपको ध्यान रख लेना, फीस एक बार सबमिट करोगे तो वो रिफंड नहीं होगी। तो कंप्लीट हम लोग जान लें एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म 15 अक्टूबर तक एक्टिवेट रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो रहेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो रहेगी स्टूडेंट्स, वो यहां पर रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट 15 अक्टूबर रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 18 अक्टूबर रहने वाली है। उसके साथ साथ यहां पर हम लोग कोर्स एंड नंबर ऑफ सीट वगैरह भी जानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो अपना फीस स्ट्रक्चर है एंड ये सभी चीजें जो है काउंसलिंग से पहले आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे, बट अभी तक यूनिवर्सिटी ने इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया। तो क्या है कंप्लीट प्रोसेसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है एंड सभी अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल करनी है। क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपनी अब सभी डिटेल्स फिल करनी होंगी स्टूडेंट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को पेमेंट करनी होगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एंड पेमेंट करने के बाद आप लोगों को डिटेल्स यहां पर चेक कर लेनी होंगी। उसके साथ साथ आपको अपलोड कर देने होंगे अपनी फोटोज, सिग्नेचर एंड सैंपल सीट, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट स्टूडेंट्स। यहां पर आप लोग सक्सेसफुली अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी
के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। तो जान लेते हैं कुछ यहाँ पर फर्दर डिटेल्स। उसके साथ साथ आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर लास्ट में सबमिट करने से पहले चेक ज़रूर करनी है, ताकि आप लोगों ने अगर गलती से भी कोई डिटेल रॉन्ग फिल कर दी हो तो आप लोग जो है यहाँ पर ठीक कर सकें उसको। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या है हम लोग जान लेते हैं। एग्ज़ाम जो रहेगा वो 180 मिनट्स ड्यूरेशन का रहेगा। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की टाइमिंग है 11 AM से लेकर 2 PM तक, ठीक है। एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एट एग्जामिनेशन हॉल 60 मिनट्स बिफोर। आप लोगों को यहाँ पर नो कैंडिडेट विल बी एंटर 15 मिनट के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो रहेगा 180 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा एंड 200 MCQs पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रख लेना कि 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट्स कौन से रहने वाले, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 20% आप लोगों से पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड मिनिमम मार्क्स जो रहेंगे, जो कि रहेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, वो रहेंगे 50%, ठीक है। 50% आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी यहाँ पर एडमिशन होगा। क्या एलिजिबिलिटी है क्या यहाँ पर कंप्लीट हम लोग जो है जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए 17 ईयर्स आप लोग यहाँ पर मस्ट होने चाहिए तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स। एंड यहाँ पर जो रहेगा सिलेक्शन जो रहेगा टोटली मेरिट बेस पर रहने वाला है, मेरिट बेस्ड निकलेगी। एंट्रेंस एग्जाम जो दोगे उसी के बेसिस पर। एंड यहाँ पर मिनिमम मार्क्स चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को 12th में, दैट इज 45% तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी SC और ST उनको 5% की छूट मिलती है, उनको सिर्फ 40% ही मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हम लोगों ने जो है एलिजिबिलिटी जान लिया। BSc नर्सिंग एक 4-ईयर प्रोग्राम है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर एलिजिबल। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, मेल्स और फीमेल्स दोनों एलिजिबल है। ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेल्स को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हर किसी स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, सम कॉलेज में हैव ओनली लेडी कैंडिडेट्स बट ऑलमोस्ट मेल एंड फीमेल्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने जान लिया। काउंसलिंग कब तक होगी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो काउंसलिंग जो रहेगी अपनी थोड़ी सी लेट रहने वाली है, 1st week of December तक 2021 तक फर्स्ट राउंड रहेगा एंड 3rd week of December तक सेकेंड राउंड। एंड लास्ट जो राउंड रहेगा वो 10th January तक रहने वाला है। एंड काउंसलिंग की एक नॉन रिफंडेबल फीस लगने वाली है जो कि रहेगी 500 रुपये। एंड सेपरेट अमाउंट जो रहेगी वो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के बाद 5,000 रुपये आपको अकेडमी के लिए या फिर मैं बोलूँ कि कोर्स के लिए देने होंगे स्टूडेंट्स। अमाउंट ऑफ 5,000 शैल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट्स आफ्टर ही ज्वाइनिंग। एंड यहाँ पर जो रहेगा आप लोगों को एक बार जैसे कि काउंसलिंग होगी वो तुरंत बाद आप लोगों को देना होगा ताकि आपकी एडमिशन इंश्योर हो जाए, देन आप लोगों की ये फीस जो है वापस भी। तो ये हमने आप लोगों के साथ शेयर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी ही लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो डाउट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड। बाकी आई थिंक आप लोगों को UP के एडमिशन से रिलेटेड पता लग गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।